वेलकम बैक गाइस हमारे चैनल पे एम किंग स्पोर्ट्स पे। आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर मैच नंबर 28 जो कि आईपीएल 2023 में होने वाला है। आईपीएल का 28वां मुकाबला डीसी और केकेआर के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा, जहां दिल्ली केकेआर के खिलाफ अपनी पहली जीत के लिए तैयार है। केकेआर ने 5 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है और साथ में पॉइंट टेबल पर 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली अब तक एक भी मैच नहीं जीती और 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे है। एम किंग स्पोर्ट्स भारत का उभरता हुआ स्पोर्ट्स चैनल है गाइस। हमारी रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ रहती है और हमारे द्वारा दी गई ग्रैंड या फैंटेसी लीग की दी गई टीमों में लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं गाइस। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को अंत तक देखिए। एंड में इस वीडियो के एक बहुत बड़ा अपडेट है गाइस, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए गाइस, जो कि एम किंग स्पोर्ट्स के नाम से है, जहां पे आपको मैच से आधा घंटा पहले श्योर शॉट मैच प्रेडिक्शन रिपोर्ट मिलेगी जो लोग टॉस खेलते हैं मैच खेलते हैं उनके लिए। साथ में फैंटेसी लीग की आधे घंटे पहले आपको टीम मिलेगी श्योर शॉट, जो कि इस वीडियो में मिलेगी अंत में। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको हमारे लिंक से ज्वाइन करना है या आप जाके टेलीग्राम पे एम किंग स्पोर्ट्स नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और हमारी वेबसाइट एम किंग स्पोर्ट्स, जहां पे आपको वर्ल्ड क्रिकेट के बेहतरीन ब्लॉग्स मिलेंगे और डिटेल में जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मैच के बारे में बात गाइस। आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए अब तक सबसे ज्यादा रन वेंकटेश अय्यर ने बनाए और वह एक शतक भी लगा चुके हैं, और सबसे सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। वहीं दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे ज्यादा रन कैप्टन डेविड वार्नर ने बनाए और टीम के सबसे सफल और दिल्ली के जो सबसे सफल गेंदबाज है वो है कुलदीप यादव गाइस। तो गाइस इन लोगों को आपको अपनी फैंटेसी लीग में जरूर रखना है। साथ में पिछले मैच में डीसी ने आरसीबी के खिलाफ गेंदबाजों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 175 रन के लक्ष्य को पीछा करने में बल्लेबाज नाकाम रहे। लक्ष्य का पीछा करते हुए डीसी ने पावर प्ले में 4 विकेट जल्दी गवा दिए थे। की प्लेयर्स की बात करें वो भी डीसी की गाइस, तो है डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, हेनरिक नॉर्चिया, कुलदीप यादव। केकेआर में बात करें वो वेंकटेश अय्यर, नितिश राणा, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती और साथ में नारायण और रसल। और साथ में आप देखेंगे वेंकटेश अय्यर ने जो शानदार पारी खेली थी, जिस शतक जमाया था, इसलिए हम वेंकटेश अय्यर को रख रहे हैं। की प्लेयर्स में मैंने आपको बताया रिंकू सिंह भी रखना है आपको, शार्दुल ठाकुर और वरुण चक्रवर्ती तो है ही है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है, बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। टॉस की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए बहुत मुफीद पिच है, जो भी यहाँ पे टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करता है तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है पिच। यहाँ पर अब तक जो T20s हुए हैं उसमें 4 बार लक्ष्य को पीछा करने वाली टीम जीती, यानी चेज करते हैं तो टीम की संभावना कहीं ना कहीं ज्यादा रहती है। मीनिंग प्रेडिक्शन की बात करें तो डीसी के खिलाफ मैच में केकेआर का बल्ला भारी है। डीसी का बल्ला इस सीजन में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब ये जो मैच है गाइस, ये एक बड़ा जैकपॉट मैच होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी तरफ से 60-40 का रेशियो रहेगा प्रेडिक्शन का गाइस। अब विनर कौन है ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, आप फैंटेसी लीग की टीम भी मिलेगी, ड्रीम इलेवन की टीम भी मिलेगी, और साथ में आपको एक्यूरेट 100% श्योर शॉट रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी गाइस मैच से आधा घंटा पहले। जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, और ऐसे ही शानदार मैच के अपडेट्स के लिए हमारे शॉर्ट्स देखिए, हमारी वीडियोस को देखिए, और थैंक यू इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।